हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी एडू केयर। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस चैप्टर 9 क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके दिए गए हैं, इफ योर फैमिली ओन्ड अ डेयरी फार्म, व्हाट मेजर्स वुड यू अंडरटेक टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग पॉइंट वाइज इसका सारे जो है एक एक करके देखेंगे इसका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं क्या करेंगे। देखिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट डील्स विथ प्रोसेस विच एम एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ठीक, इसको हम लोग नोट डाउन कर लें। डेयरी फार्म मैनेजमेंट deals with processes which aim at improving the quality and quantity improving the quality and quantity of milk production। Okay, milk production is primarily dependent on choosing improved cattle breeds. ठीक, sorry, milk production is primarily dependent on choosing improved cattle breeds। choosing improved cattle breeds। Provision of proper feed for cattle proper feed for cattle maintaining proper shelter facilities proper shelter facilities and regular cleaning of cattle and regular cleaning of cattle
सॉरी केटल। ओके तो ये जो है आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेंगे। तो ये हमारा स्पेस बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, इंप्रूव्ड कैटल ब्रीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैटल मैनेजमेंट। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। Improved cattle breed is an important factor of cattle management. तो क्या करना होगा, हाइब्रिड कैटल ब्रीड्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। हाइब्रिड कैटल ब्रीड्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दस इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाइब्रिड कैटल ब्रीड्स शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिजायरेबल जीन्स सच एज हाई मिल्क प्रोडक्शन एंड हाई रेसिस्टेंस टू डिजीजे। ठीक, तो ऐसा जो हाइब्रिड जो कैटल होगा क्या होगा, डिजायरेबल जीन का होना चाहिए। जैसे कि इसका जो हाइब्रिड तैयार होगा तो ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा कि हाई मिल्क प्रोडक्शन हो और ये जो कैटल होंगे हाई रेसिस्टेंस टू डिजीजेज होंगे। ठीक, चलिए हम लोग नोट डाउन कर लें। Thus, it is important important that hybrid cattle breeds should have a combination combination of various desirable genes such as high milk production and high resistance to diseases. Okay? Third point हम लोग देखेंगे, थर्ड पॉइंट में देखेंगे
Cattle should also be given high quality and nutritious food including roughage, fiber, etc. देखिए क्या क्या हो सकते हैं, कैटल कैटल शुड बी गिवन हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड न्यूट्रिशियस फूड क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इंक्लूडिंग रफेज, फाइबर, and high levels of proteins and other nutrients. Proteins and other nutrients. ओके अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे, तो देखते हैं थोड़ा स्पेस बना लें जिससे नोट डाउन करने में इजी हो जाए हम लोगों को। आइए देखते हैं उसके बाद क्या करना है। कैटल शुड बी केप्ट इन वेल मेंटेन्ड हाउस्ड इन प्रॉपर कैटल हाउसेज एंड शुड बी केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड रूट्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बैड क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन। उसको रहने की जो है अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, घर बनी होनी चाहिए जिसमें कि वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लें। कैटल शुड बी केप्ट in well maintained house maintained house in proper cattle houses and should be kept in well ventilated roots to prevent them from bad climatic conditions such as heat, cold and rain. ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे इसमें और क्या हम लोग
लोगों को करना होगा। देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करते हैं, आप लोगों को जितना याद रह सके, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा याद रहेगा, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक, रेगुलर बाथ्स एंड प्रॉपर ब्रशिंग शुड बी इंश्योर टू कंट्रोल डिजीजेज। ओके, रेगुलर बाथ्स एंड प्रॉपर ब्रशिंग शुड बी इंश्योर्ड टू कंट्रोल डिजीजेज। Also, regular checkups by a veterinary doctor. For symptoms of various diseases, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। For symptoms of various diseases. Okay, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर टू के सॉल्यूशन जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और NCERT एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।